मस्जिद के पास टेयर गैस चलाया गया, लोग तरावी के नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें तकलीफ हुआ। इस बात से मुसलमान भाई खफा है, नाराज है और अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं। जी को तो यहाँ पे हंगामा हुआ, फिर इस बार सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी फेलियर हो गई। बहुत सारी मीडिया जो गोदी मीडिया है, जो मोदी सरकार ने बिकी हुई है, आप पहले ऐसे न्यूज चैनल है जो आप हम लोगों के बस्ती तक पहुंच पाए हैं। हम लोग कल से आप लोग का वेट कर रहे हैं। बाकी जो अलग मीडिया है हमने देखा है न्यूज, हमने फेसबुक पे, मोबाइल पे, टीवी पे देखा है कि सारा मीडिया को उन लोगों ने पैसे दे करके बुलाया और अपने बयान को रखा। उनका उनका एक भी घर नहीं जला है, उनका एक भी बाइक नहीं जला है, उनका एक भी साइकिल नहीं जला है। हमारे काफी गरीब भाइयों का नुकसान हुआ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर इन दिनों हावड़ा शिवपुर के उन लोगों पर फिट हो रहा है जिनका रामनवमी के जुलूस की आड़ में साइड में खड़े मुस्लिम तृणमूल वर्कर को निशाना बनाकर पत्थर चलाया गया। बेकसूर छोटे छोटे ताजिरों की दुकानें लूट ली गई, फाइनेंस में लिए गए गरीब लोगों के दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ में फायरिंग, पेट्रोलिंग, बमबाजी की गई, मस्जिद को निशाना बनाया गया, पथराव की गई। यहाँ तक कि दंगाइयों ने मस्जिद में आग लगाने की भी कोशिश की। बिल्डिंग के जरिए मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाकर गर्म पानी फेंका गया। सड़क के किनारे खड़ी उन गाड़ियों को टारगेट बनाकर तोड़ा गया जिसमें अल्लाह मोहम्मद 786 KGN जैसे स्टिकर्स मौजूद थे। पूरे तौर पर निस्तोनाबूद कर दिया गया। जुलूस की आड़ में एक कम्युनिटी को वरगलाने के नारेबाजी, हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, 2024 से पहले हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, इस तरह के भड़काने वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करना। ये तबाही का मंजरनामा मोदी सरकार के गोद में बैठी उन गोदी मीडिया को शाम की रोशनी में आंखों में छाला पड़ जाने की वजह से शायद नजर नहीं आई। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी एक तरफा तोड़फोड़ किया गया। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को मस्जिद से निकलने पर रोक लगाने की कोशिश की गई जिस पर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की, तो उस वक्त गोदी मीडिया के आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठीक हो गया और साफ साफ नजर आने लगा। और इस तरह के वीडियो के जरिए फिर से पूरे देश को ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुसलमान दंगाई होते हैं। इलाके में पुलिस प्रोटेक्शन CID, दो सीनियर IPS ऑफिसर सिंधेनाथ गुप्ता, मनोज वर्मा जैसे अफसरों का इन्वॉल्वमेंट शायद BJP को हजम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि BJP का भड़काव देने वाला नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में NIA और CBI इंक्वायरी का डिमांड किया है। सिर्फ यही नहीं, इलाके में CAPF लगाने का भी मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब CM ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी हावड़ा सिटी पुलिस से हटाकर CID को सौंप दी है। रैली में हथियार कहां से आए, पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई, बमबाजी कैसे हुआ वगैरह जैसे इन तमाम चीजों की जानकारी और जांच की जिम्मेदारी अब CID करेगी। जी आपको बता दें कि हावड़ा शिवपुर से लेकर हावड़ा मैदान तक के इलाकों में दो दिनों में 46 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। कई इलाकों में इंटरनेट की सहूलतें बंद कर दी गई है ताकि हालात को कंट्रोल में लाया जा सके। आइए सुनते हैं ये हंगामा कैसे शुरू हुआ और चंद लम्हा में पूरा शिवपुर को जलाकर राख कैसे कर दिया गया। देखिए हम लोग तो पुलिस प्रशासन के साथ मसलसल 20-25 दिन से कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे थे और अपने इलाके से हम लोग जाके उनसे कंटिन्यूसली मीटिंग में यही बात हुई कि शांति से इस यात्रा को यहाँ से पास किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह से हंगामा अफ्तार के टाइम पे हुआ था, हम लोग दोबारा ये हंगामा अपने इलाका में नहीं चाहते थे। तो पुलिस ने हर तरफ से हमें सिक्योरिटी दी, जो बातें पुलिस प्रशासन से, हमारे इलाके के शिवपुर थाना के IC से जो हमारी बातें हुई, वो सारी बातों से हम लोग बहुत संतुष्ट थे कि जुलूस हमारा यहाँ से जो यात्रा गुजरेगी बहुत शांति से गुजर जाए। हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि अफ्तार के टाइम से अगर पहले गुजरे तो काफ़ी बेहतर होगा, जिससे रोजेदारों को इस शांत और मुबारक महीने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो पुलिस ने बताया कि उनको 2 से 2:30 बजे का टाइमिंग दिया गया यात्रा का, तो आपको यात्रा जहाँ से स्टार्ट हो रही थी उनकी, तो वो यात्रा यहाँ पे 3-4 बजे तक क्रॉस कर जानी चाहिए, लेकिन वो इस बार भी लेट पहुँची और ठीक अफ्तार के टाइम पे आने के बाद यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं स्पॉट पे उस वक्त यहाँ पे था जहाँ पे आप न्यूज़ बना रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे थोड़ी दूर पे ही हमारे एक शिव मंदिर है। हम लोग यहाँ पे सब एक साथ मिल के रहते, कोई यहाँ पे अलग नहीं रहता है। तो थोड़ी बगल में ही आगे में वहाँ पे किसी ने यात्रा आराम से गुजर रही थी, तो किसी सामने से पत्थर आई जो हमारे पार्टी हमारे मोहल्ले के लड़के को उसको डायरेक्ट सर पे हिट किया। उसके बाद एक पत्थर की वजह से पूरा माहौल
बिगड़ गया और वो माहौल पूरा अफरा तफरी में एकदम भाग दौड़ हो गई, पुलिस के भी कंट्रोल से बाहर हो गया, पुलिस को भी इसको संभाल नहीं पाई। हम लोगों ने यहाँ पे रोड पे आके हमारे इलाके के जो लड़के थे, हमारे जो बस्ती के लड़के थे, हमारे जो लीडर थे, हमारे जो सोशल वर्कर थे, सबको हम लोग अंदर कर रहे थे कि आप लोग रोड पे मत आइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ठीक, आप यहाँ पे कैमरा घुमा कर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आगे में, थोड़ा सा आगे में दिखा सकते, ठीक, यहाँ से मतलब यहाँ से ठीक आपको 50 फीट की दूरी पे वो जो जगह है वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, गलियों पे डायरेक्ट पत्थर चलाया गया, कोई भी नहीं था। यहाँ सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने भी पत्थर चलाए गए, लेकिन लेकिन ग्रीन वाली मस्जिद है, यहाँ पे पत्थर जब चलाने लगा पुलिस भी खड़े थी हमारे सामने। यहाँ पे बेगुनाहों का घर, बेगुनाहों का बिजनेस का जो भी रिक्शा ठेला वाला, स्कूल वैन, टोटो जो रोज 200-300 रुपया कमाते हैं, जो अपने घर चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते, उनकी गाड़ियों को भी बेतरतीब से जला दिया गया, पुलिस के सामने जलाया गया। पुलिस खड़ा थी, प्रशासन मौजूद था, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही थी। हम रोकने की कोशिश किए, मुझे भी पत्थर लगा। हाथ हाथ खड़ा करके क्यों पुलिस प्रशासन? ये जवाब तो हमारी सरकार और आप जरूर लेंगे, हम भी इस जवाब सरकार में है, हम इस जवाब के लिए अपने बात को रखे है और ये जवाब हम लोगों ने भी लिया है। हम आपको हर बात को तफसील से बताना चाहेंगे। तो शुरुआत में ये हुआ तो दोनों तरफ आप देखिए कि मुस्लिम बस्ती यहाँ से थोड़ा आगे में वो खत्म होता है, वहां भी एक हमारा भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे शिव मंदिर है, दोनों मंदिर के बाद हमारा एक मुस्लिम बस्ती आता है, इतना दूर में ही है, वहां पे भी आग लगाया गया। जितनी भी गाड़ियां थी जिसमें बिस्मिल्लाह 786 माशा अल्लाह या फिर KGN लिखा हुआ था, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को टारगेट करके उन गाड़ियों को उन्होंने आतिशबाजी की और टोटल निस्को नाबूद कर दिया। ठीक, उसके बारे में एक किया सेंटोन एक अच्छी गाड़ी थी जिसको उन्होंने टोटल एक खराश भी नहीं आई। ये भाई प्लानिंग किया है और ये करने वाले मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये लोग हमारे पड़ोस के हिंदू नहीं होंगे, ये बाहर से गुंडों को बुला करके इस जुलूस को और इस कौमी एकता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग इस काम को भड़का करके किए हैं। नुकसान हमारा हुआ है कि काफी सारे वेंडर्स वहां पे दुकान लगाते हैं जिनका 10-15 हजार 20 हजार का पूंजी होता है, किसी का 50 हजार का पूंजी होता है, वो बहुत होता है उनके लिए। उन सब चीजों को उन्होंने जला कर नुकसान कर दिया है, उनका जरा सा भी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि ये एक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी या इंसानियत की बात थी, उसने इंसानियत को आग लगाई है। तो हम लोग इसको लेकर के अपने इलाके के लोगों को रोकने की बहुत कोशिशें की, हमें कान में सुनना आया कि हमारे रमजान चल रहा है, आप भी जानते हैं कि तरावी का एक माहौल होता है, अफ्तार के बाद जो बहुत ही वक्त कम होता है कि हमें तरावी पढ़नी होती है। हिंदू भाइयों के इलाकों में भी हमारी मस्जिदें हैं वीरान जगह पे जहाँ पे आबादी नहीं है मुसलमानों की, वहाँ पे हम लोग नमाज तरावी अदा करने आते हैं, नमाज जुमा अदा करने आते हैं, तो वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए इस कारण से। तो माहौल एक ये हो रही थी कि जमात मत करिए, क्योंकि हम अपने इलाके के लोगों को हर किसी को यही समझा रहे थे कि नाराबाजी भीड़ से नुकसान ये होगा कि पुलिस प्रशासन आपको 144 अगर लगा देती है, आप नहीं सुनते हैं तो आप कहीं पे भीड़ नहीं लगा सकते। जो हो गया और वही यहाँ वाक्य हो गया, पुलिस यहाँ पे बंगाल के आप देख सकते हैं, इससे पहले काफी न्यूज चैनल आए थे, नेशनल टीवी पे ये चला गया है, ये बात अब लोकल का नहीं रहा, नेशनल पे चला गया। नेशनल टीवी मेन मीडिया किस तरह से दिखा रही है? देखिए, हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल का DIG कमिश्नर और DGP सब मौजूद थे, वहां पे हम जैसे लोगों को जाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि पुलिस फोर्स बहुत थी। तो आप लोग न्यूज देख रहे, बहुत सारी मीडिया जो गोदी मीडिया है जो मोदी सरकार ने बिकी हुई है, आप पहले ऐसे न्यूज चैनल है जो अब हम लोगों के बस्ती तक पहुंच पाए हैं, हम लोग कल से आप लोग का वेट कर रहे हैं। बाकी जो अलग मीडिया है हमने देखा है न्यूज सामने, फेसबुक पे, मोबाइल पे, टीवी पे देखा है कि सारा मीडिया को उन लोगों ने पैसे दे करके बुलाए और अपने बयानात को रखा, उनका उनका एक भी घर नहीं जला है, उनका एक भी बाइक नहीं जला है, उनका एक भी साइकिल नहीं जला है। हमारे काफी गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है, सब हमसे सवाल कर रहे थे भैया इसका क्या होगा, हम लोग जमा लिए कि इसका बात करेंगे। बात करने के लिए हम लोगों ने अपने मंत्री अरूप राय से बात की, कल वो भी स्पोर्ट पे आए। कल किस तरह से सपोर्ट था आप लोग? अरूप राय जी से कल हमारा एकदम स्पोर्ट पे बात हुआ, वीडियो कॉल पे भी बात हुआ, ऑन कॉल बात हुआ, मैं स्पोर्ट पे था जहाँ पे आग लग रही थी, दादा को हम फोन नहीं दिखाए भी, दादा को हम मना किए कि आप स्पोर्ट पे मत आइए, बहुत खराब माहौल है, आप नहीं आ सकते हैं, फिर भी दादा हमारे लिए आए। आने के बाद अलोका के मोड़ पे उनके ऊपर पत्थरबाजी, बोतल चलाया गया, जो कुछ कुछ हिंदू भाई होंगे या मुस्लिम भाई होंगे मैं नहीं इसको श्योर कर सकता, लेकिन जो पत्थर चला रहे थे उन्होंने ही पत्थर चलाए अरूप राय पे, अरूप राय के साथी जख्मी हुए, अरूप राय चले गए। फिर हमारा फोन पे बात हुआ, कल रात भर हमारे लोग कुछ अरेस्ट हुए, हम लोग थाना गए उनके लिए कि वो लोग कि कुछ लोगों को भी अरेस्ट जी जी जो बच्चे थे, एक
13 साल का बच्चा मस्जिद से तरावी पढ़ के निकलता था, पुलिस ने अंधाधुन अंदर लाठी चार्ज की, जो कहा जाता है कि लोकल थाना की पुलिस नहीं थी, वो शायद बाहर की पुलिस थी, जो भी था उसने काफी लोगों को जा करके लाठी से चार्ज किया, मारा, जिससे घर के छोटे छोटे बच्चे औरतों पे भी चोट लगी है, और एक टियर गैस होता है जो उन्होंने मस्जिद के पास भी छोड़ा, गली गली बस्ती में, गली बस्ती में, बस्ती के अंदर, और हमारे पास ना हथियार है ना हम हथियार को यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं संजीदगी से माहौल जैसे कल पहले ठीक था वो दोबारा हो जाए। मस्जिद के पास टियर गैस चलाया गया, लोग तरावी के नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें तकलीफ हुआ, इस बात से मुसलमान भाई खफा है, नाराज है और अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं कि नमाज के टाइम में अगर पुलिस जाके वहां पे गैस छोड़ती है, लाठी चार्ज करती है, जिससे हमें नुकसान पहुंचे, इसलिए हमारे भाई भड़के हैं। हमारे भाई झगड़ा का मूड पे एकदम भी नहीं है, लड़ाई नहीं चाहते हैं, इस्लाम अमन चाहता है। कौन सी मस्जिद के पास है जब तरावी? ये हमारे बस्ती के अंदर छोटी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर गई थी, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए थे कि व्यूमर्स पे जाकर के नुकसान पहुंचा रहे। मैं कहूंगा चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, व्यूमर्स बहुत आ रहा है, व्यूमर्स से दूर रहिए। हमारे मंत्री और हमारे सीएम ममता बनर्जी ने जो कहा है, हमारे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया जाएगा, इस बात को आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, जिनका जो नुकसान है उनका मुआवजा दिया जाएगा, और जिस लोगों ने ये काम किया है, जो शुरुआत की, उनके नाम पे केस दर्ज होगा, उनके नाम पे एफआईआर होगा, उनसे सख्त पे सख्त सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ, जो मेरा सीपुर आईसी से बात हुआ, कि जो भी लोग यहाँ मौजूद है मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, जो भी भाई, आप कैमरा घुमा लीजिए एक बार, और जिनको मेरा बात पहुँच रहा है इस बस्ती से, आपको ऑथराइज है, आप एफआईआर कीजिए, सिपुर थाना आपका एफआईआर जमा लेगा, सारा एफआईआर मैं अपने हाथ से ले आके थाना में जमा करूंगा, उसका कार्रवाई करवाऊंगा, और इसके लिए मैं इंसाफ मांगूंगा कि जो भी हमारे साथ गलत हुआ है इसका जवाब चाहिए, लेकिन इसका जवाब शांति और कलम से चाहिए, झगड़ा और लाठी से नहीं चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन लोगों की गाड़ियां दर्जनों कल गाड़ियां जी, दुकानें लूटी गई, कई लोग जो जी जी भेंडर थे, जी हमारी बात हुई कल रात में भी, हमारा सिपुर थाना में रात को 1:30 बजे 2 बजे हम लोग मीटिंग में बैठे, आपको हावड़ा थाना के ऑफिसर, डीआईजी, सीपी सभी थे, हम लोग इस मीटिंग में बैठे, बात हुई तो यही बात हुआ, सबका लिस्टिंग किया जाएगा, हम लिस्ट कर रहे हैं, अगर जो लोग का नुकसान हुआ है इलाके में वो आए मेरे से मिले, हम उनका लिस्ट बनाते हैं, पुलिस को देंगे, जो बात हुई है। और ममता बनर्जी ने भी अनाउंस किया है कि इनको ये चीज है, देखिए ये सही घटना है हिंदुओं के गैंग्स ने, जो लोगों ने इस राइट्स को, इस गोंग को, इस झमेलो को आग लगाया है, वही लोग पहुंच करके वहां पे ये काम किए। फोन मेरे पास भी आया था, आप अगर जाएंगे तो वहां पे फुटेज, वीडियोस और टूटी चीजें आपको मिल सकती है, और जितना भी नुकसान हुआ आप देखिएगा कि हमारे मुस्लिम साइड के अपने लोगों का ही हुआ है। कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है, वो नारा जी जी जी, वो नारा तो आपको मिल जाएगा, आपको नारा मेरे पास, जय श्री राम बोलना होगा, इस तरह का नारा बोला जा रहा है, लास्ट टाइम भी लगाया गया, अब हर घर आप देख हाथों में कुछ, हाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल से कुछ वीडियोस के लिंक और कुछ वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें उसके हाथों में आप देख सकते हैं कि फोटोज है यहाँ पे कि एक जुलूस में वो एक कोई लड़का है जो हाथ पर बंदूक लिए हुए, और वो एकदम, ये ओपन आप दिखा सकती है, देखिए ये बंदूक लेकर के ये जुलूस में, और इस तरह से ये नारेबाजी कर रहा है और फायरिंग कर रहा है, ये सिर्फ बंदूक लिया ही नहीं बल्कि इसने फायरिंग भी की है बस्ती के अंदर, जिस फायरिंग से हमारा लोग का जान जाते जाते बचा है, लेकिन जो भी हुआ है इसके लिए पुलिस कड़ा से कड़ा एक्शन ले, कार्रवाई करे। और हमारे अरूप राय जी यहाँ पे आए थे नमाज के टाइम, कुछ बाहर के लड़के आए थे जो इस भीड़ में उनके ऊपर अटैक किए, उनके गाड़ी को तोड़ भांग किया, और मंत्री अरूप राय ने बहुत सपोर्ट किया है, उनके ऊपर ईटा और लाठी चार्ज हुआ, उनके गाड़ी पे जानलेवा हमला हुआ, फिर भी वो घर जाके, कुछ बाहर के लड़के थे जो इस इलाके पे आए थे नमाज के टाइम में, जिन्होंने पत्थर चलाया था, नमाज हो रही थी, दुआ खुतबा के टाइम ही कहीं से कुछ पत्थर आया, ऊपर किसी बिल्डिंग से आई, वो पत्थर एक किसी बच्चे को लगी तो हंगामा क्रिएट हो गया, उस हंगामे में भाग दौड़ हो गया, दादा गाड़ी उसी वक्त आया था, मंत्री के गाड़ी पे भी कुछ लोगों ने पत्थर और ईटा चलाया, लगा है चोट,
तो उनको उन्होंने जाने के बाद भी वो चुप नहीं बैठे, वो जा करके वहां से अपना सारा काम किए हर मस्जिद पे। हमारा देखिएगा एक अंदर में मोचीपाड़ा मस्जिद है जो हिंदुओं के बस्ती में पड़ता है, कुछ और भी बहुत सारी मस्जिद है जो वीरान इलाकों में है, तो वहां पे भी कुछ पत्थरबाजी तोड़ भांग हुआ, नमाजियों को तकलीफ दिया गया। फिर पुलिस से मेरी बात हुई कमिश्नर से, तो वो लोग जा करके वहां से वहां के लोगों को निकाले और उनको हमारे घर तक पहुंचाए। उसके बाद मंत्री अरूप राय ने हमारे इलाके के इमाम साहब से फोन पे रब्ता किया और कहा कि इमाम साहब मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने इलाके के मुसलमान भाइयों को शांत कीजिए, संभालिए और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, जिनका जो नुकसान हुआ है वो पैसा उनको दिया जाएगा और जिसने ये काम किया उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे और हम लोग इसके खिलाफ हैं और आइंदा इस रैली को हम लोग बंद करेंगे। माहौल बनाने के जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए ये तो ओपन है, ये ओपन है। 2013 के बाद से राम भी आ गया और रामनवमी भी आ गया और जय श्री राम भी आ गया। 2012 से पहले ये कुछ भी नहीं था, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, लेकिन उसके बाद जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये दंगा और भाई को हटा करके रामनवमी और ये जुलूस आया। राम राम आपका है, राम हमारा है, राम हर मजहब का है, इस्लाम में अल्लाह हमारा है, भगवान आपका, सब एक है, लेकिन इसको बांट दिया गया और बांटने का कारण बस यही था कि ये जुलूस को करा करके हमारे बीच दंगा कराया जाए और दंगा करके हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो, हम मुसलमान भाइयों पे 144 लगे, हमारे को घर में रहना पड़े, हम रोजा नहीं रख पाए, हम नमाज नहीं पढ़ पाए, ये किया जा रहा है। मैं आप सबके सामने कहूंगा कि इस मौके से दूर रहिए कि आप लोग इमाम साहब जो बात आज मोहल्ला में बोले, आप लोग को जिस तरह से आपको बाहर से DIG भी आके हमारे मस्जिद में बोले कि आपको शांत माहौल बनाना है, मैं यही कहूंगा कि जो हुआ इसको बढ़ाने से रास्ता नहीं निकलेगा, लड़ाई को बढ़ाने से लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई पे कंट्रोल करके लड़ाई का संविधान निकालना पड़ेगा हमें। तो जो भी मेरी आवाज़ जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, मेरा बात यही रहेगा कि हमारी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि मुसलमान रोजा रह के गुनाह नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी बात है, हम मुसलमानों का सर उसने फख्र से ऊंचा किया और हम इस बात को, इस लाज को बरकरार रखेंगे, हम रोजा रह के कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। जी तो यहाँ पे हंगामा हुआ, फिर इस बार सिक्योरिटी क्यों नहीं? सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी फेलियर हो गई, सिक्योरिटी फेलियर होगी क्योंकि उनका जो प्लानिंग था, उनका प्लानिंग ऐसा था कि लास्ट वाले गाड़ी में उनके पास पूरी हथियार पेट्रोल, देखिए गाड़ी मुंह से और माचिस और सिगरेट से नहीं जलती है, पेट्रोल लाया गया था, पेट्रोल से दुकानों में आग लगाई गई थी, सारे प्री प्लानिंग। और इसके अलावा बहुत जगह पे बमबाजी भी हुई है, ये मेरे सामने हुई है, मैंने देखा है, गोलियां भी चला है, फायरिंग हुई है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे इलाका ही हिंदू नहीं किए होंगे, ये जाहिर सी बात है बाहर के हिंदू आकर के हम हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह से यूपी बिहार में नमाज आज घर के अंदर मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ा जा देने जा रहा है, तो बंगाल में भी ये चीज लागू हो जाए, लेकिन हम मुसलमान समझदार है, ये मौका नहीं होने देंगे, हम नमाज जिस तरह से रोड में नौजवानों का अरेस्ट किया गया, जी बिल्कुल, सरकार क्या करेगी? ये सरकार इसके लिए कल जो लोग अरेस्ट हुए थे, हम लोगों ने जा करके थाना में बात किया, वो बच्चे बच्चे अरेस्ट हुए थे, वो लोग भीड़ में थे, जिसको पुलिस ने वॉलंटियर बनाया था उसी को पुलिस ने अरेस्ट कर ली थी, फिर लास्ट में पुलिस को उसने छोड़ दिया, उसने देखा कि ये बच्चे यहाँ पे नहीं थे। और हमारे बहुत ऐसे मुसलमान भाई है जो कल चोट खाए हैं, जिनको चोट लगा है, लाठी से मार खाए हैं, पत्थर से मार खाए हैं, उनके साथ हथियार था, कुछ हथियार हम लोग छीने भी, हमारे पास है उनका हथियार, हम लोग पुलिस को उस चीज को हैंड ओवर कर दे रहे हैं और ये चीज लेकर के वो लोग औजार तलवार लेके जलूस में आए थे जिससे किसी का जान लिया जा सके। पूरा तारुफ बता दे जी, मैं इस इलाके में रहता हूँ, मेरा नाम मनोवर इस्लाम गुड्डू खान है, मैं इस इलाके का सोशल वर्कर और TMC का यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं शुरू एक महीना से कोशिश कर रहा था कि ये यात्रा आराम से गुजर जाए, हिंदू भाई आराम से चले जाए, मुसलमान भाई आराम से रोजा रख ले, हमारे मुसलमान भाई पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, पर एंड अफ्तार के मोमेंट पे जिस तरह से लास्ट ईयर हुआ था वो फिर से हुआ और इसी इलाके में, क्योंकि ये इलाका टारगेट था, ये बदला लिया गया है कि इस इलाके में आके लास्ट में टारगेट को पूरा किया जाए। बाकी हमारे बहुत सारे ऐसे नेताओं से बात हुई, जो हमारे हिंदू भाई नेता काउंसिलर है उनसे भी कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू भाई का घर तोड़ा जा रहा है, मस्जिद मंदिर तोड़ी जा रही है। मैं तुरंत स्पॉट पे गया, वहां जाके वीडियो कॉल किया हूँ, मैं अपने यूथ के अलावा मदर प्रेसिडेंट और एक्स काउंसिलर को भी मैंने वीडियो में दिखाया कि आप जिस इलाके के घर के बारे में बता रहे, 1 PM बस्ती 4th By-Lane, वो इलाका का घर बिल्कुल सेफ है, उस घर का वीडियो मैंने दिखाया वीडियो कॉल करके कि घर में कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस घर से भी पत्थर और गर्म पानी लड़कों पे फेंका गया था कल जलूस के टाइम पे। और उस घर पे कुछ है घटना, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, पुलिस से मेरी बात हुई है, तहकीकात किया जा रहा है, सब चीज सामने आएगा।
दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये गोदी मीडिया और ये मोदी मीडिया, ये शुरू से इस काम को एडिट करना जानती है अच्छे से, तो एडिटिंग उनसे अच्छा तो अब हम लोग नहीं कर सकते अपने मोबाइल पे। तो वो लोग जो कर रही है इधर का न्यूज, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, तो नहीं हुआ, पहले भी कहा हमने कि हमारे इलाके में किसी मंदिर पे किसी हिंदू के घर पे अटैक नहीं हुआ है। हमने चोट खाई है, मार खाया है, हम लोग अभी भी सब्र कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं माहौल शांत हो जाए। जो हिंदू भाई तक मैसेज पहुंच रहा है, हम उनसे भी कहेंगे कि आप लोग इसको अब शांत कीजिए, झमेला बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जाने जाएगी, चाहे आपका जाए चाहे हमारा जाए, नुकसाने होंगी, रास्ता फिर समाधान से बैठ करके रास्ता में ही आएगा। तो उस चीज को हम लोग पहले करें। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों तक कि अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जो हुआ है उसका भरपाई किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का भी जान, किसी का भी माँ का बच्चा अगर कोई लाल चला गया तो उसका भरपाई कोई नहीं भर पाएगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। इसलिए इस चीज को आगाह किया जा रहा है। दीदी भी बोल रही है कि आप शांत रहिए और माहौल खत्म कीजिए, और मैं दूसरे हिंदू भाई को भी बोलूंगा कि आप भी हमारे इलाके में ना ढूके, शांति को खराब ना करें, अपने इलाके में रहे, शांत से रहे। आपके जो लीडर, आपके जो सीनियर है उनसे रابطہ कायम करें, पुलिस को लेकर बैठे, दोनों साइड अलग हो जाए, जो हुआ हुआ, इसका एक्शन जो पुलिस लेगी उस पर हम लोग छोड़ना चाहते हैं।